नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। एंड आज थोड़ा बुक्स के बारे में बताता हूँ। तो मैंने लास्ट टाइम आपको प्रॉमिस किया था कि बुक्स के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले तो बताइए कि ऑडियो क्लियर है क्या। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, हाँ या ना, कमेंट कीजिए। गुड इवनिंग सबको, और मेरा नमस्कार भाई, ठीक है, मैं अच्छा हूँ, केशव, थैंक यू। तो आप सुन पा रहे हैं सब लोग? हाँ जी, आपको आवाज़ आ रही है। तो आज तो एक तो हम बात करेंगे बुक्स के बारे में, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं कि बुक्स आपको थ्योरी बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी, बट फिर भी एक रेफरेंस बुक मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब रेफरेंस के लिए आपको बुक रखनी है दोस्तों, ठीक है। गुड इवनिंग सबके लिए, सबको भाई, ठीक है, नमस्कार। तो चलिए मैं थोड़ा सा आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करता हूँ। मैं टॉप इंजीनियरिंग बुक्स बताऊंगा आपको आज, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईएन के लिए, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। तो क्योंकि सब्जेक्ट्स आपका हमारे कॉमन होते हैं, तो इसलिए उन टॉपिक्स की हम बात करेंगे आज, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बुक्स अगर आप रेफ़र करोगे तो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ठीक है, और इनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी तैयारी एनहेंस होगी। और ख़ासकर इनकी जो एक्सरसाइज है, जो पीछे की एक्सरसाइज है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। आपको इनके सॉल्यूशन मैनुअल भी मिल जाएंगे, और आपको इनके इनकी सारी जानकारी ऑलरेडी, आप इनका पीडीएफ भी ले सकते हो अगर आपको बुक नहीं खरीदनी है तो। बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप ये बुक खरीदिए, बिकॉज जब आपके सामने बुक रखी होती है तो आपका पढ़ने का भी दिल ज़्यादा करता है, ठीक है। और जब आपके पास पीडीएफ फॉर्म में जब बुक्स होती हैं तो आप इतना अच्छे से उसको नहीं पढ़ते हो, ठीक है। तो मेरा आपके लिए एडवाइस है कि इन बुक को अगर आप खरीदेंगे तो आपका दिल भी करेगा कि चलो इसको खोल के देख लेते हैं यार, इसमें क्या दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए बुक जरूर लीजिए, ठीक है। अपनी लाइब्रेरी में कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको साथ शेयर करूंगा, उनको आप रखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो हार्ड डिस्क वगैरह हैं वो हमारे डिस्पैच होनी स्टार्ट हो गई हैं। जी ड्राइव पर भी लोगों को एक्सेस मिलना स्टार्ट हो गया होगा। कुछ कई बार दिक्कत आ जाती है आप स्टूडेंट को, तो आप उसके लिए कॉन्टैक्ट कर लें, नंबर मैंने उस दिन शेयर कर दिया था, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है। और मुझे लग रहा है आप लोग साथ भी दे रहे हो, जो मैंने टाइमिंग बताया है उसी में आप कॉल कर रहे हो, तो उसके लिए थैंक यू आप सब लोगों का। एंड चलिए तो स्टार्ट करते हैं बुक्स का सिलसिला, ठीक है। मैं आपको एक एक करके बुक बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की मेरे पास कई सारी बुक्स हैं, मतलब सच बताऊं तो मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, और उनका कुछ कलेक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मतलब बहुत बुक हैं तो और भी है, तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूं, ठीक है। तो वैसे मेरे पास और भी बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, मतलब मैंने कुछ बुक्स निकाली हैं आपके लिए, ठीक है, उनको मैं एक एक करके बताता हूं कि कौन सी बुक कहां से, क्या टॉपिक उसमें अच्छा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले फाइनमैन लेक्चर्स ऑन फिजिक्स वॉल्यूम 2, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक, ठीक है, मुझे बड़ी पसंद आई ये बुक। मैंने इसको दो बार परचेज किया है, ठीक है, एक बुक मेरी फट गई थी तो फिर मैंने इसको दोबारा से परचेज किया। ये मेरे लिए रेफरेंस का काम करती है। मैं इसमें थ्योरी आजकल नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है, बट कई बार जब मैं फंस जाता हूँ कहीं पे तो मुझे बड़ी हेल्प करती है ये। इस बुक की खासियत यह है कि इस बुक में आपको कोई भी न्यूमेरिकल नहीं नज़र आएगा, ठीक है, इस बुक में थ्योरी बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। तो ये बहुत ही, मतलब वन ऑफ द बेस्ट बुक आप बोल सकते हो। और इसके दो तीन वॉल्यूम आते हैं, तो पहला जो वॉल्यूम है वो ज़्यादातर क्लासिकल मैकेनिक्स पे आता है, ठीक है, दूसरा जो वॉल्यूम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे आता है, ठीक है। तो इसमें मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है इस बुक में, द फाइनमैन लेक्चर्स ऑन फिजिक्स। बट मैं आपको ये बता दूं, इसमें इस बुक को आप एक रेफरेंस की तरह रख सकते हो, मतलब अगर कोई टॉपिक ना समझ आए आपको तो वो टॉपिक आप इस बुक में देख सकते हो। ऐसा नहीं कि पूरी बुक को अगर मैं पढ़ने बैठूंगा तो इसमें आपका समय भी बहुत ज़्यादा जाएगा, और इतना समय भी आपके पास नहीं है। जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं, मुझे लगता है उनको तो ये ज़रूर लेनी चाहिए भाई, जिनके पास अच्छा टाइम है, ये उस बुक को आप रेफरेंस मान के चलिए। ये मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट बुक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, कुछ लोग जो है वो ये बुक रखते हैं सडीकू, ठीक है, मैं इसको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको अपने कंसेप्ट ख़राब करने हैं ना, तो मोस्ट वेलकम, आप ये ले सकते हो, ठीक है। बट इसमें क्वेश्चन जो हैं उनको आप देख सकते हो, इसमें क्वेश्चन सोल्ड बहुत हैं, ठीक है, तो सोल्ड क्वेश्चन के लिए आप ये ले सकते हो, बट मैं कंसेप्ट के लिए बिल्कुल इसको रेकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज इसने कंसेप्ट पे ध्यान ही नहीं दिया है, सही बताऊँ तो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस के लिए आप ये ले सकते हो ये बुक, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चंस के लिए आप इस बुक को रेफर कर सकते हो, बट मैं इसको सडीकू को इतना रेट नहीं करूँगा जितना मैं फाइनमैन को रेट करूँगा। इसमें थ्योरी, इस पर बहुत फोकस किया गया है, बहुत बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग दी गई है, तो इसलिए इस बुक को आप जरूर रेफर करें, रेफरेंस की तरह रखिए। रेफरेंस की तरह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समय आपके पास कम रहेगा पढ़ने का, तो जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आती है केवल उस टॉपिक को रेफर करें, ठीक है।
ज़्यादातर टॉपिक मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी अगर कोई टॉपिक एक आधा कुछ छूट जाता है आपका और आपको दिक्कत आती है तो इस बुक को रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस के लिए आप स्टडी को भी रेफ़र कर सकते हो, बट क्वेश्चंस के लिए और भी बहुत बेहतरीन बुक है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग से हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं तो आपके लिए WH हयात या फिर ये जो जॉन ए बक, ठीक है, जॉन ए बक करके जो बुक आती है, ये बहुत बढ़िया बुक है। इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं भाई, ठीक है, मुझे क्वेश्चंस इसके बहुत पसंद आए हैं। इसमें भी सोल्ड क्वेश्चंस हैं बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे इसके क्वेश्चंस मैं आपको DPP के थ्रू भी आपको भेजता रहूँगा, तो अलग से आपको इसको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी कुछ लोग जो पढ़ने में जिनका इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है वो इसके क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करें, और इसका सोल्यूशन मैनुअल भी अवेलेबल है ऑनलाइन, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है, इसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बुक बहुत ही बेहतरीन बुक है क्वेश्चंस के लिए, जॉन ए बक, WH हयात, ठीक है, ये बुक आप ले सकते हो भाई, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक, और मुझे बहुत पसंद है ये बुक, ठीक है। देख सकते हो काली भी हो गई है बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत पढ़ता हूँ इस बुक को, ठीक है ना। इसके क्वेश्चंस खासकर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। हाँ, एक बुक और मैं लास्ट बताने वाला हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, जिससे मुझे बहुत प्यार है सच बताऊँ तो, और यह है क्रॉस, KRAUS, पतली बुक है, छोटी है बट कमाल का असर है, ठीक है। ये बुक जो है इसके क्वेश्चंस प्लस थ्योरी, इसने ऐसे ऐसे नहीं जोड़ा हुआ जैसे हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हैं ना, टॉपिक वाइज, कि भाई पहले इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते हैं फिर मैग्नेटोस्टैट पढ़ते हैं, ऑब्वियसली इस तरह से है, बट इसमें एप्लीकेशन का बड़ा बढ़िया इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 5th edition है मेरे पास, ठीक है, और मैग्रो हिल का है, तो ये बुक आप ले सकते हो। ये मतलब इनमें से कोई भी एक बुक, मैं तो सही बताऊं तो 2 बुक आप कीजिए, बिकॉज बाकियों में तो सब क्वेश्चन है वो तो आपको मिल ही जाएंगे। मैं आपको रेकमेंड करूंगा अपनी लाइब्रेरी में ये 2 बुक जरूर रखिए, द फाइनमैन लेक्चर्स ऑन फिजिक्स Volume 2 एंड एक आपकी जो क्रॉस बुक है ये जरूर रखिए। जहां तक क्वेश्चन का सवाल है, क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे DPP के थ्रू, मैंने आपको आज शेयर भी की होगी पहली DPP, उसके पोर्टल के बारे में भी मैं आज बताऊंगा कि कैसा हम पोर्टल उसका बना रहे हैं, तो वो जानकारी भी मैं दूंगा। बट मैं आपको बता दूं ये 2 बुक जो है, एक क्रॉस, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स विद एप्लीकेशन, ये इसका टाइटल है, क्रॉस, ठीक है, ये जरूर लीजिएगा, ठीक है, और एक फाइनमैन, ये 2 रेफरेंस आप रख सकते हो अपने पास, ठीक है। फाइनमैन फिजिक अपना थ्योरी के लिए, इसमें भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, तो वो क्वेश्चंस आपको DPP के थ्रू भी दूंगा, और इसकी थ्योरी बेसिक थोड़ी है बट असरदार है, ठीक है, बड़ी मज़ेदार है ये बुक, ठीक है ना। और भी कई सारे बुक्स हैं मेरे पास जिनसे मैं, जिनको मैं रेफ़र करता हूँ, जिनको मैं पढ़ता हूँ, ये आपका गुरु करके है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड फंडामेंटल्स ये करके है, ज़रूरत नहीं है इतनी बुक्स की, ठीक है। डेविड के चेंग, ये भी बहुत अच्छी है, ये साइंटिस्ट हुए हैं, मतलब बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है बुक को, ठीक है, तो आप इनकी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको 2 बुक बताई हैं जो ज़्यादा प्रायोरिटी पे आपको रखनी है, और वो है क्रॉस और द फाइनमैन लेक्चर्स ऑन फिजिक्स Volume 2, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ये अपनी लाइब्रेरी में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेटवर्क थ्योरी की, ठीक है। नेटवर्क थ्योरी की जो हमारी जो स्टैंडर्ड बुक है, जिसको सब लोग फॉलो कर रहे हैं आज हमारे यहाँ पे, क्योंकि जनरली सब लोग जो बताते हैं वो है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स बाई चार्ल्स के अलेक्जेंडर मैथ्यू एंड ओ सडीकू, ठीक है। ये वही सडीकू है जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लिखा है, तो उन्होंने ये अपनी बुक्स इनके साथ, जो अलेक्जेंडर है इनके साथ अपनी बुक लिखी है नेटवर्क पे, इनकी सडीकू की अपनी एक नेटवर्क की अलग से भी बुक आती है, बट अलेक्जेंड्रा एंड सडीकू ये जो बुक है ये भी बहुत अच्छी बुक है भाई। नेटवर्क बड़ी इजी लैंग्वेज में इसने दिया है, बट सारा नहीं है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ, सब कुछ इस बुक में आपको नहीं मिलेगा, बट जितना दिया है बहुत ईजी लैंग्वेज में बहुत अच्छा दे दिया है, ठीक है। और भी कई सारी बुक्स हैं नेटवर्क की, मैं आपको बताऊँ, वैन वेलकमबर्ग, ये बुक भी बहुत अच्छी है, इसको भी आप लीजिए। मैं इससे, क्योंकि नेटवर्क मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है पढ़ने की, मैं अपने ग्रेजुएशन में इतना पढ़ चुका था कि मुझे अभी ज़्यादा, मैं बुक्स को रेफरेंस के लिए रखता हूँ बस, जब भी मुझे कोई टॉपिक दिक्कत आता है तो मैं उस बुक को उठाता हूँ। आपको पूरा बुक नहीं पढ़ना है, नहीं तो आपका समय बहुत ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप रेफरेंस की तरह रखिए इनको। जब भी कोई दिक्कत आती है, जब भी कोई डाउट आता है, कोई टॉपिक मिस कर गया आपको, आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ आया, बुक खोलिए, पढ़िए उसको, ठीक है। और अगर आपको कौन सा कंसेप्ट पता ना चले उस बुक में, किसी बुक में ना हो, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी बुक है, क्योंकि नेटवर्क की ऐसी बहुत सारी मेरे पास छोटी छोटी बुक्स हैं जिनमें कुछ कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब जिनका टाइटल बहुत अलग है, जैसे नेटवर्क मेरे पास और भी कई सारी, मैं अगर दिखाऊं आपको, मेरे पास मतलब मैंने एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी है जिसमें मैं सारी बुक्स को रखता हूं, तो छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो इन बुक्स में नहीं मिलेंगे आपको, तो उनके लिए आपको मेरे से वो बुक पूछ सकते हो। कोई स्टैंडर्ड टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है, कोई बढ़िया टॉपिक आप पढ़ना चाह रहे हो, मैं आपको बुक बता दूंगा, आप अलग से पूछ सकते हो, बट जो स्टैंडर्ड बुक है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वैन वेलकमबर्ग, ये बहुत बढ़िया बुक है, इसको आप रेफर कर सकते हो, क्वेश्चंस भी इसमें बहुत अच्छे दिए हैं। सडीकू जो बुक मैंने बताई आपको, अलेक्जेंड्रा एंड सडीकू, वो इजी लैंग्वेज में है,
और उसमें क्वेश्चंस भी कुछ अच्छे हैं, सिंपल क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो बुक आप रेफर कर सकते हो, बल्कि वैन वेलकम बगी बहुत अच्छी बुक है, इसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं। दूसरा WH हयात, ये बुक बहुत अच्छी है, WH हयात, JE किम्बरली, ठीक है। तो हयात वाली जो बुक है, इन्होंने जो मैंने आपको वो दिखाया था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वही ऑथर इसके भी हैं, तो इन्होंने भी बहुत अच्छी बुक लिखी है। मैं सिर्फ क्वेश्चंस के लिए इसको रेफर करता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस इन्होंने बनाए हुए हैं उसके लिए मैं इस बुक को रेफर करता हूँ। तो ये बुक बहुत अच्छी है भाई, अगर कोई लोग इससे पढ़ रहे हो तो ये भी अच्छी बुक है। लेकिन अगेन मैं आपको बताऊंगा, इनको आप एक रेफरेंस की तरह रखिए, ठीक है। टॉपिक पहले समझिए, वीडियो लेक्चर जो मैंने दिए हैं जैसे नेटवर्क या EMT अगर आप देखोगे तो मैं इन सारी बुक से पढ़ के मैं आपको पढ़ाता हूँ, सोचिए, ठीक है। तो अगर आप ये सारी बुक पढ़ने बैठोगे तो आपका बहुत समय खराब होगा, लेकिन अगर आपको कोई टॉपिक मेरी बुक से नहीं, मेरे लेक्चर से नहीं समझ आया तो आप इन बुक को, कोई भी टॉपिक रेफर कर सकते हो, मैं आपको इतना बता दूं। बट हर बुक को अगर आप पढ़ने बैठोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक के लिए रेफर कीजिए, आपके लाइब्रेरी में ये बुक होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। तो मैंने सबसे पहले बताया नेटवर्क और EMT के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिग्नल एंड सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम के बारे में। तो जरा देखिए, सिग्नल एंड सिस्टम के लिए जो मेरे पास, जो मैं अभी जो पढ़ रहा हूँ वो बुक है LNV ओपन एन, ये बुक मैं पढ़ रहा हूँ, बट ये फर्स्ट हैंड बुक नहीं है। पहली बार अगर आप सिग्नल एंड सिस्टम को तैयार कर रहे हो तो ये बुक आपको रुला देगी, सही बताऊँ तो, बिकॉज इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है और थोड़ी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ठीक है। और इसके क्वेश्चन जो है वो भी बहुत बढ़िया बढ़िया है पीछे। तो सच बताऊँ तो ये बुक पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो सिग्नल एंड सिस्टम, तो इस बुक को ना ही रेफर करें तो अच्छा है। बट मैं आपको बता दूँ, जितने भी ऑथर हैं, इंडियन ऑथर लीजिए या जो भी, सब ने इस बुक को स्टैंडर्ड, मतलब रेफरेंस की तरह लिया है, ठीक है। तो ये बुक जो है ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है, अगर आप इसे पढ़ते हो मुझे लगता है आपका सिग्नल बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो मैं भी कई बार इसको रेफर करता हूँ क्योंकि, लेकिन पहले इस बुक को मैंने डायरेक्टली, मैंने इस बुक को नहीं उठाया था, मैं आपको बताऊँ सब, मैंने पहली बार जब डायरेक्टली इसको उठाया था तो मैं परेशान हो गया था, इसलिए मैंने कोई सिंपल बुक उठाई। सिंपल बुक जैसे आपको मैं बता दूँ, BP लाठी की एक बुक आती है सिग्नल एंड सिस्टम की, वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो मैंने उस बुक से भी पढ़ा था। एक रमेश बाबू की करके बुक आती है, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में है, हालांकि उसमें सब कुछ नहीं है बट उसमें भी बड़ी सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, मैंने उसको भी रेफर किया था। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे पहुंचा था, जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मैंने बाकियों को पढ़ना छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन इस बुक को पढ़ने के लिए मुझे मेरे बेस की जरूरत थी, जो बाकी बुक्स ने मेरा बेस बनाया। तो मैं आपको बता दूं, डायरेक्टली इस बुक को मत उठाइए। हाँ, अगर आपने बुक, आपका सिग्नल बहुत अच्छा हो गया, जैसे लेक्चर अगर आपने लगा लिए हैं और फिर आप और एनहेंस करना चाहते हो अपनी नॉलेज को, वन ऑफ द बेस्ट बुक, ठीक है, सिग्नल एंड सिस्टम। मैं इस बुक को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसके क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे बहुत बहुत सोल्व करता हूँ, जब मैं सिग्नल पढ़ाता हूँ तो मैं इसी बुक के क्वेश्चंस को रेफरेंस लेके चलता हूँ और इससे मुझे बहुत आइडियाज़ लगते हैं कि भाई क्वेश्चन कैसे, इसकी जब थ्योरी पढ़ता हूँ तो बहुत आइडियाज़ लगते हैं कि इस थ्योरी पे मैं क्वेश्चन बना सकता हूँ, इस थ्योरी पे क्वेश्चन बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये बुक आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए, सिग्नल एंड सिस्टम की बहुत अच्छी बुक है भाई, ठीक है। वैसे पहली बार पढ़ रहे हो अगर आप सिग्नल, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा BP लाठी, या फिर आप बुक लीजिए रमेश बाबू, ठीक है। वो बुक बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में दी हुई है और अच्छी बुक है, ठीक है ना। तो थोड़ी मोड़ी मिस्टेक्स हैं कुछ बुक्स में, तो वो ज़्यादा इश्यू नहीं है, बट मुझे लगता है कि बाद में आप इसको रेक्टिफाई कर लेंगे जब आप अच्छा सिग्नल सिस्टम को समझ जाओगे। इनको रेफरेंस की तरह रखिए, लेकिन मैं आपको बता दूं रमेश बाबू की एक खासियत है, उसमें सोल्ड बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सोल्ड क्वेश्चंस का एक अच्छा एक कंटेंट मिल जाएगा, जिससे आपके और इंप्रूवमेंट आएगा आपके अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई सिग्नल एंड सिस्टम के ऊपर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम की। तो कंट्रोल सिस्टम के लिए मैं दो बुक आपको रेकमेंड करूंगा और उन दो बुक से मैं पढ़ाता हूं, मैं इवन खुद भी कंट्रोल सिस्टम उन्हीं दो बुक को रेफर करके पढ़ाता हूं। सबसे पहली बुक जो है वो है बेंजामिन सी कुओ, ठीक है, बेंजामिन सी कुओ, ये है। तो वाइले इंडिया की बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक आप कह सकते हो, ठीक है। इसमें से जो मैं टॉपिक लेता हूँ वो है स्टेट स्पेस, स्टेट स्पेस मैं इस बुक से पढ़ाता हूँ। मैं आपको बता दूँ कुछ एरर एनालिसिस जो है वो भी इस बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है, जैसे टाइम डोमेन एनालिसिस, जो एरर एनालिसिस है वो बहुत अच्छा इस बुक में दिया हुआ है, ठीक है। और जो रूट लोकस वगैरह उन सब के जो कंसेप्ट हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन है इस बुक में, ठीक है। जो कंपनसेटर वगैरह हैं, जो आगे PID कंट्रोलर, कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करना, ठीक है, वहाँ पे जो कंपनसेटर डिजाइन करना होता है, या मतलब डिजाइन ऑफ कंट्रोल सिस्टम आप बोलोगे, वो जो चैप्टर है PID कंट्रोलर कंपनसेटर वाला पार्ट, वो मैं ओगाटा से पढ़ाता हूँ। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन बुक है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है और मज़े आ जाएंगे आपको पढ़ के, ठीक है। तो ये बुक बड़ी प्यारी बुक है, ठीक है।
इसमें आपका टाइम डोमेन एनालिसिस भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है, और भी कई सारे टॉपिक है जो बहुत ही बेहतरीन दिए हुए हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये दो बुक रेकमेंड करूंगा कंट्रोल सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये है ओगाटा, ठीक है, ये आपको लेनी है, और मेरे पास जो है पियर्सन की है भाई, ठीक है, तो फिफ्थ एडिशन मेरे पास इसका है, ठीक है, ये आप ले सकते हो। इसके सॉल्यूशन मैनुअल भी अवेलेबल हैं, ठीक है, और नाइन्थ एडिशन मेरे पास ये है कंट्रोल सिस्टम का, बेंजामिन सी को, बल्कि मेरे पास एक और एडिशन भी है इसका, मैं लाना भूल गया उसको, मेरे पास एक और एडिशन भी है, वो भी बहुत अच्छा पुराना एडिशन है, इससे पहले का एडिशन है वो, ठीक है, तो उसमें भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों बुक आप ले सकते हो कंट्रोल सिस्टम के लिए, बहुत ही मज़ेदार बुक है भाई, और अगर आप इनको रेफरेंस की तरह लेते हो और इनके क्वेश्चन सोल्व करते हो, जो कि मैं डीपीपी में दूंगा आपको देखना, हालांकि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं, लेकिन उनको घुमा फिरा के आपको इनके क्वेश्चन ज़्यादातर सोल्व करवा दूंगा, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, इनके क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास, तो ये बहुत बेहतरीन बुक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मेरे पास एक बुक है जिसका टाइटल मेरा उड़ गया है, ठीक है, तो क्योंकि मैंने इसको बहुत पढ़ा है, ठीक है, तो इसका टाइटल चला गया है, और यह है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स बाय सेड्रा एंड स्मिथ, ठीक है। तो सेड्रा स्मिथ की जो बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे, अगर आप इस बुक को रेफर करते हो मुझे नहीं लगता आपको कहीं पे भी पढ़ने की ज़रूरत है, ये बहुत ही बेहतरीन बुक है, ठीक है, और मेरा एनालॉग इसी बुक से बना है, ठीक है। दूसरा एक और है फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स बाय बेहजाद रजवी, ठीक है। तो इस बुक ने लैंग्वेज बड़ी आसान कर दी है, चीज़ों को बहुत इजी वे से लेके चलाया है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इससे ज़्यादा बेहतर रेट करूँगा सेड्रा एंड स्मिथ को, ठीक है, ये बड़ी मज़ेदार बुक है। रजवी के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, मैं आपको बता देता हूँ, यूट्यूब पे बेहजाद रजवी के लेक्चर्स भी आप सर्च कीजिए, वो भी अवेलेबल हैं, बट वो अगेन मतलब सारे नहीं हैं, और मे बी आप पढ़ सकते हो उनसे, मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, बट ये भी बुक बहुत अच्छी है भाई, मैं आपको बता दूं, इसके मैं क्वेश्चंस कई बार रेफरेंस की तरह यूज़ करता हूं, और इसके क्वेश्चन तो बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। ये है माइक्रो, हाँ यहाँ से आपको शायद नज़र आ जाए, ठीक है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड सेड्रा एंड स्मिथ, ठीक है, ये बुक बहुत अच्छी बुक है भाई, इस बुक को आप लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ये मैंने बताया एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ठीक है। तो अब चलिए अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के लिए मेरे पास जो बुक है जिससे मैं पढ़ता हूँ वो है इरविन क्रेजिक, ठीक है, ये बुक आप ले सकते हो भाई, ठीक है। तो अगेन वाइले की है, तो बहुत ही बेहतरीन बुक है ये भी, इसमें बड़ा एप्लीकेशन ओरिएंटेड लेके चला है, मतलब मैथ्स को सिंपल मैथ्स की तरह नहीं पढ़ा रहा है ये, मैथ्स को एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहा है कि क्या उसमें हम उनके पीछे का क्या लॉजिक है, ठीक है। तो ये मुझे बहुत पसंद आया इस बुक से, तो बहुत अच्छी बुक है भाई, तो इस बुक को मैथ्स के लिए आप रेफर कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया बुक है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं डिवाइसेस की, तो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस या EDC जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए जो मेरे पास है वो है स्टीटमैन, बेंजी स्टीटमैन, ठीक है, ये बुक आप रख सकते हो, लेकिन अगेन इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, ठीक है, इसको रेफरेंस की तरह यूज़ कीजिए, जो कोई टॉपिक नहीं समझ आया आप इस बुक को यूज़ कीजिए, ठीक है। EDC के लिए मेरे पास जो जिसको मैं रेट कर रहा हूँ, जो बढ़िया बुक्स में जो मैं मानता हूँ, वो है BG स्टीटमैन, ठीक है, इस बुक को आप पढ़ सकते हो भाई, ये भी बहुत अच्छी है, मेरे पास इसका 7th एडिशन है, ठीक है, तो मैं इसको रेफरेंस की तरह लेके चलता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन के लिए मेरे पास जो बुक है, तो एक तो मेरे पास है BP लाठी, ठीक है, तो BP लाठी की बुक है मेरे पास कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, वो आप ले सकते हो, ठीक है भाई। और एक बुक मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, टॉब की भी अच्छी बुक आती है, ठीक है, वो भी है, बट टॉब को ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट ये अच्छी बुक है, मतलब आप इसको भी रेफ़र कर सकते हो, ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी बुक है भाई। एक बुक और है जो मेरी सर ले गए हैं, अपने गौरव सर हैं, वो ले गए हैं, ठीक है, मेरी बुक मैंने उनको दिया था, तो उसका जो नाम था वो मे बी बहुत फेमस नाम है, ठीक है, वो मेरे दिमाग से निकल गया, ठीक है, तो मे बी आप कमेंट कीजिएगा, मैं देखता हूँ कितने लोगों को पता है उस बुक का नाम, ठीक है, मैं ज़रूर आपको लाइक करूँगा, ठीक है ना। तो anyway, वो भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा आगे चलते हैं, और अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स की, तो उनमें लेके आता हूँ मैं इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स में। सबसे पहले बात करते हैं पावर सिस्टम की, ठीक है, तो पावर सिस्टम के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है, मैं दो बुक मैंने सेलेक्ट किए हैं जिनसे मैं ज़्यादातर टॉपिक्स में पढ़ाता हूँ और मुझे क्वेश्चंस बनाने में भी हेल्प मिलती है। सबसे बेस्ट बुक जो है वो मेरे हिसाब से विलियम डी स्टीवेंसन, ठीक है, ये बुक है, पतली बुक है बट बड़ी असरदार बुक है, ठीक है।
तो एलिमेंट्स ऑफ पावर सिस्टम एनालिसिस बाय विलियम डी स्टीवेंसन, वन ऑफ द बेस्ट बुक जो अवेलेबल है अभी मार्केट में आजकल। ये पूरे येलो नहीं आती है, ये मेरी बुक चोरी की हुई बुक है, मैं आपको बता दूं। चोरी कहाँ से की मैं बताता हूँ, ये मेरी लाइब्रेरी की चोरी की हुई बुक है, मैंने उनको पैसा दिया लाइब्रेरी वालों को बाद में, क्योंकि ये मिल नहीं रही थी मुझे कहीं पे, ठीक है, एक बार आना बंद हो गई थी, ठीक है। तो आजकल जो आती है वो पूरा येलो आती है, और उसमें पूरा यहाँ पे एक ये ब्लू ब्लू आती है, फिर यहाँ पे हल्का सा एक येलो बना रखा है वो, ठीक है। तो आजकल आना शुरू हो गई है, आप इसको लिए, मैग्रा हिल की बुक है, तो ये बुक बहुत अच्छी बुक है भाई, ठीक है। आप इसको अपनी लाइब्रेरी में रखिए, मैं बहुत पढ़ता हूँ इस बुक को, और बहुत मज़ेदार बुक है, हर एक चीज़ को, हर एक लाइन को पढ़ डालिए इस बुक की, ठीक है, कोई चीज़ नहीं छोड़नी है, ठीक है। एक और बुक बताता हूँ मैं आपको, जे डंकन ग्लोवर, ठीक है, ये बुक भी बड़ी मज़ेदार है। इसमें से मैं आपको लोड फ्लो स्टडीज़ पढ़ाता हूँ, और फॉल्ट एनालिसिस में इसका मैं सहारा लेता हूँ, ठीक है। हालांकि मैं फॉल्ट एनालिसिस इससे नहीं पढ़ाता हूँ, प्रोटेक्शन भी इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, हालांकि इतना ज़्यादा नहीं गहराई में दिया हुआ है, बट अच्छा है भाई इसमें, ठीक है। तो जे डंकन ग्लोवर, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, आप ले सकते हो, अपनी लाइब्रेरी में रख सकते हो। दो तीन टॉपिक के लिए मैं इसको रेफर करता हूँ, ठीक है, जिसमें लोड फ्लो स्टडीज़ है, दूसरा आपका प्रोटेक्शन वाला पार्ट है वो भी अच्छा है, फॉल्ट वाला पार्ट भी ग्लोवर में बहुत ही बेहतरीन दिया हुआ है, आप उसको ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। और छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनके लिए मैं बुक रेफर करता हूँ, मैं दूसरी बता देता हूँ आपको। एक बुक है हमारी जो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है, वो है बद्री राम, ठीक है, ये भी अच्छी बुक है, प्रोटेक्शन के लिए ही आप ये मेनली आती है बुक, तो ये काफ़ी अच्छी है। इसमें कुछ थोड़े बहुत मिस्टेक्स हैं, तो उनको आप दिल पे ना लें, बट ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन बुक है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, तो उसको आप ले सकते हो। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन इसका टाइटल का नाम है, सेकेंड एडिशन मेरे पास है, ये मैग्रो हिल की बुक आती है ये बद्री राम, ठीक है ना, तो ये आप ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आप बाकी बुक से भी पढ़ सकते हो। एक मेरे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी सिस्टम थ्योरी है, ठीक है, तो एलगर्ड की करके आती है ये, इलेक्ट्रिक एनर्जी सिस्टम थ्योरी, ठीक है, एलगर्ड, ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें भी पावर सिस्टम के कुछ जो अगर आपको ज़्यादा डेप्थ स्टडी करनी है, कुछ जैसे जैसे आपके केबल्स वगैरह हो गए, नहीं जो आपकी ओवरहेड लाइंस जो होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखना आपको, तो वो बहुत अच्छे दे रखे हैं इसमें, मतलब ओवरऑल ये भी बुक बहुत अच्छी बुक है, आप इसको रेफर कर सकते हो दोस्तों, और आपको पढ़ के मज़ा आएगा इस बुक को, ठीक है ना। अच्छा, तो और भी ऐसे बुक्स हैं, बट आप उन ज़्यादा बुक्स में मत फंसिए, ये बुक मैंने आपको बताई है, इनको आप रेफरेंस की तरह रखिए। अगर एक बुक में अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो दूसरी में देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ये बुक जो मैंने बताई ना, इसमें बहुत बहुत मतलब फील्ड थ्योरी से लेके चला हुआ है ये बहुत कुछ, ठीक है, इसमें बहुत कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से बहुत कुछ इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, मतलब ये मुझे बहुत हेल्प करती है, और स्टेट स्पेस का भी इसमें थोड़ा सा बहुत अच्छा दिया हुआ चीज़ है, ठीक है, जो पावर सिस्टम को एनालाइज करने का जो तरीका है, तो ये बुक आप रख सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बता दूं, मेरे पास जो बुक है वो है आपकी नेड मोहन, ठीक है, मैं इस बुक को रेफर करता हूँ, नेड मोहन, तो नेड मोहन बहुत ही बढ़िया बुक है, और आप मार्केट में इसको मिल जाएगी, वायले की अगेन, ठीक है, तो वायले की वैसे ज़्यादातर बहुत अच्छी बुक होती हैं, तो मैं आपको बता दूँ ये बुक बड़ी मज़ेदार बुक है, ठीक है, और इससे अगर आप पढ़ते हो मुझे लगता है कि आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत आपका इंप्रूव होगा, बट इसमें सारी चीज़ें नहीं है बस, लेकिन जितना है उतना पढ़ के आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। बट अगेन इसको रेफरेंस की तरह रखिए, ठीक है, इसको रेफरेंस की तरह रखिए दोस्तों। इन्वर्टर इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, ठीक है। दूसरा आपका जो बक बूस्ट कन्वर्टर है वो भी बड़ा मज़ेदार है, ठीक है, आप इस बुक से पढ़िए बक बूस्ट कन्वर्टर, मज़े आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो बक बूस्ट कन्वर्टर बहुत अच्छा है, ठीक है, जो आपका ओवरलैप एंगल है, ठीक है, जिस पे आप म्यू वगैरह निकालते हो, वो आपका इस बुक में बहुत ही बेहतर है, जबकि पी एस बिमरा में उसमें थोड़ी सी मिस्टेक भी है, ठीक है, तो पी एस बिमरा भी मैं रखता हूँ, खासकर जो कंट्रोल्ड रेक्टिफायर वाला चैप्टर है वो पढ़ने के लिए ये बुक अच्छी है, ठीक है, तो इस बुक को आप रेफर कर सकते हो भाई, पी एस बिमरा को, ठीक है। इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं खासकर ओवरलैपिंग एंगल वाले टॉपिक में और दो तीन चीज़ों में, बट ओवरऑल मैं इस बुक को भी बहुत बढ़िया रेट करूँगा, बहुत मज़ेदार बुक है, आप इस बुक को ले सकते हो अपनी लाइब्रेरी में, बट इससे ज़्यादा बेहतर है नेड मोहन, ठीक है, नेड मोहन रखिए, ठीक है, ये बुक बहुत ही बेहतरीन बुक है, मुझे लगता नहीं, मतलब जब मैंने पढ़ा, मैंने तीन चार बुक पढ़ी है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे, बट मुझे तो इस बुक से बड़ा प्यार हुआ, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये बड़ी मज़ेदार बुक है भाई। ड्राइव्स के लिए आप जी के दुबे आप ये ले सकते हो, ठीक है, जो ड्राइव्स वाला पार्ट है उसके लिए जी के दुबे आप कीजिए, ये बहुत ही अच्छी बुक है, और इसमें से अगर आप देखते हो तो आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है, जी के दुबे अच्छी बुक है भाई, ये आप ड्राइव्स के लिए रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स की, कि मशीन के लिए कौन सी बुक है, ठीक है,
तो चलिए, मशीन के लिए जो रेफरेंस बुक आपको रखनी है, अगर आप बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा ये बुक, ठीक है, पी एस भिम्बरा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी बाय पी एस भिम्बरा। बट इसमें अगेन छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं कुछ कुछ जगह पे, बट मिस्टेक होना भी अच्छी बात है, सो दैट आपको इम्प्रूवमेंट की हमेशा स्कोप रहे, ठीक है, हमेशा आप फिर नया चीज़ सीखने की तरफ रहते हो, ठीक है। ये बुक बहुत अच्छी है, बट इस बुक में आप देखना, इस बुक में जो लिखा गया है वो आपको बहुत ज़्यादा सिमिलर मिलेगा एम जी से। ये बुक है जो जो मुझे लगता है मशीन को जो डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है, एम जी से। इस बुक का काफ़ी कुछ आपको इसमें सिमिलर नज़र आएगा पी एस बिम्बरा में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो पी एस बिम्बरा को आप रेफ़र कीजिए। पी एस बिम्बरा अच्छी बुक है, स्टूडेंट फ्रेंडली है, बट उसमें मिस्टेक्स हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक है, ज़्यादा नहीं है, दिल पे मत लेना कि आप कहीं सोचे कि भाई मिस्टेक बोल दिया तो लेनी ही नहीं है। ये बहुत बेहतरीन बुक है, बड़ी इजी लैंग्वेज में दी गई है, ठीक है ना, जरूर लीजिए इस बुक को। बट अगर आप डेप्थ में, जिन्होंने पढ़ लिया है और डेप्थ समझना चाहते हैं मशीन की, मुझे लगता है एम जी से पढ़िए। ये केवल ए सी मशीन पे बेस्ड है, ठीक है, बहुत कुछ दिया हुआ है, डिज़ाइन वाला पार्ट भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको बहुत कुछ बढ़िया समझ आएगा इस बुक से, ठीक है, और काफ़ी कुछ आपको पी एस बुमराह में सिमिलर लगेगा इससे, ठीक है, ऐसा लगेगा जैसे यहीं से उठा लिया गया हो, ठीक है, तो वो अच्छा है। दूसरा, एक मैं एक और इंडियन ऑथर को इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूँ, और वो है डी पी कोठारी, आईजे नागराथ, ठीक है, ये बुक भी मशीन्स के लिए अच्छी बुक है भाई, इस बुक को भी आप ले सकते हो, ठीक है। इस बुक में भी बहुत बेहतर कंसेप्ट दिए हुए हैं और इसके क्वेश्चंस भी अच्छे हैं, ये बुक भी आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। बट अगेन, पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो तो मैं पी एस बिम्बरा को रेकमेंड करूंगा, वो बुक आप लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने जानकारी दी आपको बुक्स के बारे में, एक आधे सब्जेक्ट बच गए हैं जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोप्रोसेसर, ये टॉपिक्स रह गए हैं, तो ये टॉपिक मैं चाह रहा हूँ कि मैम आपको बेहतर बताएंगी जब आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, उन्होंने सब्जेक्ट में बताया भी है। वैसे मैं आपको बता दूँ, मॉरिस मैनो अच्छी बुक है, एक दो बुक और हैं जो बहुत अच्छी हैं, तो वो मैम आपको बता देंगी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, एंड माइक्रोप्रोसेसर के लिए भी सर आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेन जो टॉपिक्स थे उनके लिए मैंने आपको बुक्स बताई हैं, उन बुक्स को आप रेफर कीजिए, अपनी लाइब्रेरी में रखिए, ठीक है। ये बुक बड़ी मज़ेदार है, इंडियन ऑथर ज़्यादातर अच्छे नहीं है भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, कॉपी पेस्ट आपको मिलेगा, तो कोशिश कीजिए कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको फॉलो किया जाए, सो दैट आपकी मिस्टेक्स जो हैं वो मिनिमम से मिनिमम हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बुक्स वाला जो कहानी थी वो सही समझ आई, ठीक है, लेकिन अगेन इनको रेफरेंस की तरह यूज़ करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप बुक में पढ़ना शुरू करोगे तो टाइम बहुत जाएगा। अगर जो लोग सेकेंड ईयर से हैं वो पढ़ सकते हैं, वो लोग रख सकते हैं, वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं बुक से पढ़ना। बट अगेन मैं आपको फिर से बता दूं, जो लोग थर्ड ईयर में हैं बुक्स को रेफरेंस की तरह रखिए, अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो वही टॉपिक आपको बुक से रेफर करना है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर टॉपिक्स आप पहले पढ़ लीजिए, आप लेक्चर लगाइए, उनसे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आगे की, ठीक है। अब हमें अपनी अपना जो मैं जो आपने जो कमेंट्स किए मैं थोड़ा उनको ले लेता हूँ। मेजरमेंट के लिए मैं आपको बता दूँ, मेजरमेंट के लिए एक बुक आती है जो मुझे बतानी चाहिए था, ए के सानी, ठीक है, लेकिन उसमें मिस्टेक्स हैं और बहुत मोटी बुक बना दी है। बट बेल करके एक बुक भी आती है, वो भी मेजरमेंट के लिए, वो मैं रखना चाहता था बट मैंने अभी उसको दिखाया नहीं। मैं आपको जब अभी मार्च के जो फर्स्ट वीक से, मतलब 5 या 6 तारीख से जब शुरू करूँगा मेजरमेंट, मैं आपको तब बताऊँगा कि कौन सी बुक आपके लिए बेहतरीन रहेगी और कौन सी, क्योंकि उसमें अलग अलग टॉपिक अलग अलग बुक्स में पढ़े हुए हैं, ठीक है, वो बुक आप रेफर करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए अब आपके डाउट्स को मैं लेना चाह रहा हूं, ठीक है। तो चलिए, कुछ भाग जैसे अशफाक हुसैन, कुछ लोग बोल रहे हैं मशीन के लिए, नहीं जी छोड़ दीजिए, ठीक है, मतलब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ठीक नहीं है वो, बट मैंने आपको इशारा कर दिया है, आप समझ जाओ, ठीक है जी। साइमन हेकिन, बहुत अच्छी बुक है कम्युनिकेशन के लिए, आप उसको ले सकते हो भाई, ठीक है। नेक्स्ट आइए, मशीन अशफाक हुसैन, नहीं भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, चलिए, तो काफ़ी डाउट आ रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा बात और बता दूँ, दो तीन डाउट, सो देर आपके डाउट इन टॉपिक्स पे आना बंद हो जाए। एक तो मैंने आपको बताया था, जो मैं आपको 4 दिन 4 लेक्चर पर डे का मैंने टारगेट दिया था, उम्मीद करता हूँ आपको सही लग रहा होगा और आप कर पा रहे होंगे उस टारगेट को, अचीव कर पा रहे होंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट से मेरी बात भी हुई है, उन्होंने मुझे बोला है कि सर हम अचीव कर पा रहे हैं टारगेट को। तो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करें भी, मुझे लगता है 4 लेक्चर आप लगा पा रहे होंगे,
चार लेक्चर लगाने में ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे लग रहे होंगे आपको, नोट भी करना है उसको, तो उससे ज़्यादा समय नहीं लग रहा होगा मेरे हिसाब से। बट मुझे लगता है कि अगर आपको अभी स्टार्ट करना है, अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए अच्छा है, अभी शुरुआत 6 घंटे से कीजिए, 4 घंटे से कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी बात, मैं DPP शेयर करना स्टार्ट हो चुका हूँ। आप अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की पहली DPP शेयर की है आज, उसके क्वेश्चंस आप सोल्व कीजिए, आपको मैं डिस्कस करूँगा कल या परसों, आपको मैं उसका सोल्यूशन भी आ जाएगा और वो भी आप एक बार देखिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो लाइव में आप बताइएगा मुझे, ठीक है। अच्छा, ऐप हमारी जो मोबाइल ऐप है उसको सब लोग डाउनलोड कर लें भी, क्योंकि हमारा जो डाउट पोर्टल आने वाला है, डाउट डिस्कशन के लिए हम जो आपको प्लेटफॉर्म देने वाले हैं वो हमारी मोबाइल ऐप पे ही होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो मोबाइल ऐप सबके पास होनी चाहिए, ठीक है, चाहे आपने कोर्स ज्वाइन किया हो चाहे ना किया हो, वो आपके पास सबके पास होनी चाहिए। आप उसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पे आपको डाउट पोर्टल हम लोग शेयर करने वाले हैं। दूसरा, DPP का फोल्डर भी हम वहीं पे शेयर करने वाले हैं, हर सब्जेक्ट की अलग अलग DPP आपको वहाँ पे मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको DPP मिलेगी, ठीक है ना। तो मोबाइल ऐप ज़रूर आप अपना आप लीजिएगा, उसको अपना इंस्टॉल कर लीजिए, CES लर्निंग के नाम से है मोबाइल ऐप, उसके बारे में पुराने वीडियोस देखोगे तो आपको मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया हुआ है उसके ऊपर, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे आपका सारा डिस्कशन होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा और मैं जानकारी दे दूँ आपको, जो आपको जो जो DPP सॉल्यूशन है वो भी आपको उस पर YouTube पे भी आएगा, और आपको जो हमारे ऐप है वहाँ पे भी आपका DPP डिस्कशन आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जब मैंने बताया फ्राइडे से जो क्लासेस आएंगी, तो फ्राइडे से हम अपना सिलसिला शुरू कर रहे हैं पढ़ने का, ठीक है। तब तक मैं आपको थोड़ा सा बुक्स के बारे में और थोड़ा सा ये जानकारी दे रहा था, सो देट आपको सारे चीज़ें क्लियर हो जाएँ, सो देट फालतू का बातचीत हमारा ख़त्म हो और जल्दी से जल्दी हम पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो चलिए भाई, दूसरी बात, जिन लोगों को हार्ड डिस्क की बात है मैं बता दूं, हार्ड डिस्क के लिए भी हम लोग हार्ड डिस्क डिस्पैच करना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज पहला हमारा हार्ड डिस्क डिस्पैच हुआ है, कुछ 100 स्टूडेंट के लिए तो हम डिस्पैच कर चुके हैं, बट बहुत जल्दी हम और हार्ड डिस्क जो है उनको भी डिस्पैच कर रहे हैं, और 3-4 दिन सिलसिला चलेगा हार्ड डिस्क का भी। जी ड्राइव पे भी एक्सेस मिल रहा है सब लोगों को, तो जी ड्राइव पे भी आपको धीरे धीरे एक्सेस मिलना स्टार्ट हो गया होगा कुछ लोगों को, और मिल रहा है अभी, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। और मोबाइल ऐप तो मेरे ख्याल से जिन लोगों को जिस दिन सब्सक्राइब किया था मुझे लगता है उसी दिन ओपन हो गई थी, तो मोबाइल ऐप वाले तो इन्जॉय कर रहे होंगे अपना, ठीक है। और जो भी आपको दिक्कत रहती है आपको मैंने बता दिया तरीका क्या है और किस टाइम आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, तो वो मेंटेन रखिएगा उस चीज़ को। जो चीज़ आपको कोई वैसे डाउट आते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज ड्रॉप कर सकते हो एनी टाइम, ऐसा नहीं है कि भाई उसी टाइम में आपको करना है, एटलीस्ट मेरे को तो आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हो, तो वो तो आप रखिएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, ड्रॉपर कैसे बुक यूज़ करें, उन्होंने ये पूछा है एक स्टूडेंट ने मुझसे, ड्रॉपर कैसे, ये है अर्पण ने मुझसे पूछा है भाई। तो अर्पण, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप बुक यूज़ करें, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा है, तो आप कोशिश कीजिए कि जो आपको क्लासेज में दे रहा हूँ आप केवल वहीं तक रहें। कोई टॉपिक अगर एक आधा आपको नहीं मिल रहा है रेफरेंस के तौर पे, अगर आपको देखना है समझ नहीं आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप वो कंसेप्ट पे जा सकते हो, बट कोशिश करें कि आप लेक्चर से उस चीज़ को समझ लो, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। मुझे लगता है बुक्स जो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो फर्स्ट ईयर में अपना स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है बुक पढ़ना, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। हाँ जी, सितांशु पांडा, इन्होंने पूछा है मुझे, सर 1 ईयर में बुक के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं क्या फॉर EE ब्रांच? नहीं भाई, आप अगर आप एक साल है आपके पास, एक साल की तैयारी कर रहे हो, और अगर आपको मान लीजिए बुक का ही अगर आपको वो है, तो मैं आपको बता दूं कि बुक को सिर्फ रेफरेंस की तरह रखिए। अगर एक साल है आपके पास, तो बुक में ज़्यादा समय बिताओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा हर बुक को पढ़ने में, ठीक है। मैं जब पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैं अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से लग गया था इन बुक्स को पढ़ने, और आज तक पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आज तक नई चीज़ जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बुक्स पढ़ना इतना ईजी नहीं है दोस्तों, बट आप रेफरेंस की तरह रखिए। कोई कंसेप्ट अगर नहीं समझ आया तो डिफरेंट बुक रेफर कीजिए, ठीक है ना। स्टैंडर्ड बुक मैंने बता दी है, और जो बुक मैंने बताई इनके अंदर सारे टॉपिक्स कवर्ड है, ठीक है, जो हमारे सिलेबस है सारा सब कुछ कवर्ड है, ठीक है। एक में नहीं है तो दूसरे में मिल जाएगा आपको, या फिर आप मुझसे भी पूछ सकते हो, कोई टॉपिक ना समझ आया, आप चाहते हो कि सर बुक बताओ इसके लिए, इस टॉपिक के लिए कौन सा, मैं आपको बुक बता दूंगा, वो बुक आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने ज़्यादातर ये बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है ना। तो चलिए भाई, हाँ आगे बढ़ते हैं। सोम सीरीज़ की बुक्स कैसी है सर? अच्छी बुक है, उसमें क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है, बट मैं आपको बता दूं हमारा जो DPP आ रहा है वो आपको और बेहतरीन लगेगा, ठीक है।
उसमें बहुत बेहतर बेहतरीन क्वेश्चन हम दे रहे हैं। आप देखिएगा, आपको सोल्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, उनका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो मुझे लगता है उससे बेहतर और चीज़ क्या हो सकती है, ठीक है? तो और उसमें क्वेश्चन की जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो सॉम सीरीज भी अच्छी है प्रैक्टिस के लिए, बट मेरे हिसाब से आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है जब, और जब आपको डीपीपी मिल रही है तो आप उनसे स्टार्ट कीजिए। पहली डीपीपी जो है वो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा सीएस लर्निंग के का, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका लिंक, वहाँ पे मैंने शेयर किया है पहली डीपीपी ईएमएफटी पे। बट बहुत जल्दी मैं फोल्डर बनाने वाला हूँ, बहुत जल्दी उसके फोल्डर बन जाएंगे। आप मुझे एक दो दिन का समय दीजिए और उसमें ऐप पे हमारे फोल्डर बन जाएंगे। तो सब लोग ऐप पे आइए, चाहे आपने आपने परचेज किया हो चाहे ना किया हो, फिर भी मोबाइल एप्लीकेशन सबके पास होनी चाहिए। वहाँ पे डीपीपी सारी शेयर होंगी, वहाँ पे फोल्डर बनाएंगे, वो फोल्डर आपको स्टडी मटेरियल वाला जो पार्ट है वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा एक दो दिन में, आप देखिएगा। और धीरे धीरे डीपीपी अपलोड होना स्टार्ट होंगी। मैं एकदम से सारी डीपीपी नहीं अपलोड करूँगा, अभी आप देखिएगा वीकली बेसिस पे कम से कम 4 या 5 डीपीपी मेरी रहेंगी। और अभी जो मैंने सब्जेक्ट स्टार्ट किया जैसे ईएमएफटी और नेटवर्क थ्योरी, मैं पहले उन्हीं को स्टार्ट करूँगा। नेटवर्क थ्योरी पे काफ़ी डीपीपी मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप एक बार देखिए लिस्ट में जाके, आप YouTube पे सर्च भी कर सकते हो नेटवर्क थ्योरी डीपीपीज, ठीक है? उसमें आपको एक नई सीरीज निकल के आएगी, एक बहुत पुरानी सीरीज निकल के आएगी जो हितेश सर होते थे हमारे टाइम हमारे पास, तो हितेश सर वाली नहीं देखनी है आपको, अभी जो नई सीरीज आ गई है उसको फॉलो करना है, वो देखिए। और नेटवर्क थ्योरी और ईएमएफटी का भी मैं बता दूं, कुछ लोग बहुत पुरानी सीरीज देख रहे हैं, 2016-17 वाली सीरीज देख रहे हैं, उससे बेहतर आप नई सीरीज देखिए दोस्तों। अभी नई सीरीज में एक्सपेरिमेंट ज़्यादा है, थ्योरी डिस्कशन ज़्यादा है, वो चीज़ देखिए, पुरानी सीरीज से बेहतर नई सीरीज है उसको फॉलो कीजिए आपको, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं है कि नई सीरीज भी आ गई है, सीजन सीरीज करके आई हुई है। नेटवर्क थ्योरी की सीजन 1 है, आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे नेटवर्क थ्योरी सीजन 1 और मेरा नाम डाल दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ऐसे ईएमएफटी को आप कीजिएगा, आई थिंक ईएमएफटी सीजन 2 या सीजन 3 होगा, मुझे पता नहीं, ईएमएफटी पार्ट 1 अभी हम कर रहे हैं, ठीक है? तो वो चीज़ आप देखिएगा, ठीक है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आप फ्री कब होते हैं, कॉल कब करें? फ्री का मेरा कोई फिक्स नहीं है वैसे, आप डे टाइम में आप मुझे 11 से 12 के बीच कॉल कर सकते हो, 1 बजे के बीच कॉल कर सकते हो, 2 बजे भी कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार मैं शाम को फ्री होता हूँ, मे बी 8 बजे के बाद 8 से 9 आप कॉल कर सकते हो मुझे, ठीक है? तो ये टाइम मेरा है, आप इस टाइम कॉल कर सकते हो, ठीक है ना? चलिए भाई, सर मोबाइल ऐप पे वीडियो सेव वाला ऑप्शन जल्दी अपडेट करें। बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा दोस्तों मोबाइल ऐप पे, सो दैट आप ऑफलाइन भी देख सको, तो हम उसके ऊपर लगे हुए हैं, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है? सर टाइम मैनेज कैसे करें? देखिए ये टाइम मैनेजमेंट की कहानी तो आपको ही सीखनी पड़ेगी, बिकॉज आप ज़्यादा बेहतर अपने आप को जानते हो, बिकॉज आपको देखना है कि भाई मेरे पास कितना समय है। आप प्रैक्टिकलिटीज़ को भी इन्वॉल्व कीजिए कि भाई घर में ये काम भी होता है, ये काम भी होता है। कई बार आप क्या करते हो, अपना बस पूरा शेड्यूल बना लेते हो और उसमें आप मिसलेनियस टाइम डालते ही नहीं हो। आपको अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी है, आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी है, आपको बहुत कुछ करना है, ठीक है? तो कुल मिला के उस टाइम को इन्वॉल्व कीजिए कि भाई मैं इतना टाइम मेरा खर्च हो गया है, उसके बाद मेरा टाइम बचता है, मुझे उसमें पढ़ना है, ठीक है? तो प्रैक्टिकलिटीज को आप इन्वॉल्व करके चले, ठीक है? ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप टारगेट बना लेते हो और उसको अचीव नहीं कर पाते हो, तो उससे फिर डीमोटिवेशन आता है। सोने से पहले अपने आप को पूछिए, जब मैं होता था तो मैं ये करता था, मैं बुक के 15 पेज का टारगेट बनाता था या 10 पेज का टारगेट बनाता था कि मुझे इस बुक इस कॉपी के 10 पेज मुझे फिल करने। पहले क्लासमेट की कॉपी आती थी, अभी भी आती होगी, तो मैं टारगेट बनाता था कि, और मैं अच्छी बुक यूज करता था, पेज बड़े बढ़िया यूज करता था, क्योंकि मुझे लिखने में वो ब्लैक पेपर ना बहुत अच्छा नहीं लगता था। मतलब अपना अपना तरीका हो सकता है, ठीक है ना? तो मैं टारगेट बनाता था कि 10 पेज मुझे एक दिन में फिल करने हैं, भरने हैं। तो जब नहीं भरते थे, मैं क्रॉस मारता था उन पेज पे कि मुझे इनको यूज नहीं करना है, तो बड़ा दुख होता था कि मैंने खाली छोड़ दिया पेज। तो ये इस तरह की आदत बनाता था मैं, उस वो आदत मेरे लिए बहुत काम करती थी। हो सकता है आपके लिए काम करे, आपका अपना एक तरीका हो सकता है, आप इस तरीके को बनाइए और इस तरह से पढ़ना स्टार्ट कीजिए अभी से, और नोट्स प्रॉपर बनाइए, हर एक चीज़ को सही से लिखिए, और जब कोई चैप्टर खत्म हो जाता है तो उसके शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा, वो बड़ी हेल्प करेंगे आपको लास्ट में, ठीक है? और जैसे ही सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा हम उसके टेस्ट भी लेंगे, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए कि आपके टेस्ट होने वाले हैं। डीपीपी के लिए तैयार रहिए, डीपीपी डेली टेस्ट होगा आपका, काइंड ऑफ आप या हफ्ते में 5 टेस्ट होंगे, आप ये मान लीजिए अगर 5 डीपीपी हफ्ते में मिल रही है तो आपके 5 टेस्ट होंगे। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपके पास कोई सिंपल जो है, आसान जो आपके पास मटेरियल है जिसमें इजीली कोई चीज बताई गई है, जैसे आपके आसान क्वेश्चन वाला जो होता है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत आसान मिलेंगे आपको देखना, जो अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर लगा लिए हैं तो, जैसे नोडल तक अगर आपने लगा लिया तो नोडल तक के जो बेसिक लेवल के केवीएल केसीएल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उनको आप देखेगा, उनको करके देखेगा, आपको ईजी लगेंगे। हालांकि प्रीवियस ईयर का भी सोल्ड वर्जन अभी लेके आ रहे हैं गौरव सर, डीपीपी आप मेरे साथ पढ़ोगे, नेटवर्क थ्योरी का जो प्रीवियस ईयर है वो गौरव सर आपके साथ डील करेंगे, ठीक है? तो वो चीज भी आपको अभी मिलने वाला है बहुत जल्दी, वो भी आप देखने वाले हो, ठीक है? तो इस तरह से पहले आसान चीजें कर लीजिए, सो देट आपको एक फ्रेंडली माहौल मिल जाए,
क्लास के अंदर जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ वो भी बड़े मजेदार होते हैं, उनके भी बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, उनको भी आप देखेगा। और उसके बाद मेरे जो डीपीपी वाले क्वेश्चन हैं उनको कीजिए। डीपीपी के क्वेश्चन कम जरूर है एक सब्जेक्ट पे, जैसे 200 क्वेश्चन आप अगर बोल रहे हो, कम जरूर है, बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उनको जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बड़ा सोच समझ के क्वेश्चन को बना रहा होता हूँ, उनके ऊपर आप जरूर अपना समय लगाइए। ठीक है, आपका बहुत अच्छे से जाएगा। ठीक है, आर के कनोडिया कैसा है? आर के कनोडिया अच्छा है, आप उसके क्वेश्चंस लगा सकते हो और उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, उससे आपको आपके सोल्व करने के फॉर्मूले फास्ट हो जाएंगे, आप जल्दी आप सोल्व कर पाओगे। मैं इवन जब मैं डीपीपी आपको डिस्कस करूँगा अभी, जैसे ईएमएफटी का करूँगा, तो मैं आपको बताऊँगा कैसे स्टार्टिंग से अभी आपको फास्ट करने की, कैलकुलेशन करने की आदत बनानी है। ठीक है, वो तरीका मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊँगा, तो आप डीपीपीज को भी देखिएगा पूरा। ठीक है, कि किस तरह से आपको उसको सोल्व करना है, कैलकुलेटर का कम से कम यूज़ करना अपने को, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। और डीपीपी मैं पहले दे चुका हूँ, ईएमएफटी उसको सोल्व करना स्टार्ट कीजिए अगर आप पढ़ चुके हो वहां तक। पहला चैप्टर मैंने जो बताया आपको, जब आपका पूरा हो जाए तो उस डीपीपी को सोल्व करना, क्योंकि वो पहले चैप्टर पे बेस्ड है। कल और परसों भी डीपीपी आएगी ईएमएफटी की और नेटवर्क की। नेटवर्क की वैसे मैं डाल चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा नेटवर्क, हालांकि उसको एक फोल्डर में मुझे बनाना है, एक जगह लगाना है, वो मैं आपको बहुत जल्दी कर दूंगा, एक दो दिन में वो भी हो जाएगा और डीपीपी आना स्टार्ट हो गया भाई। अच्छा, जिन लोगों ने डीपीपी प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बता दूं, ठीक है, बहुत जल्दी हमारा डीपीपी प्रोग्राम सारा तैयार होके आ जाएगा, एक 15-20 दिन की बात है, उस इतना वेट कीजिए। तब तक आप जो ओपन वीडियोस हैं उनको आप देखिए, और अगर जो लोग ने कोर्स हमारा नहीं लिया हुआ है, या फिर जो लोग एक साल तैयारी कर चुके हैं अभी बस उनको बस क्वेश्चंस ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो वो हमारा केवल डीपीपी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। हमारा ये रैंक बूस्टर प्रोग्राम रहेगा आपके लिए, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए भी हम आपको लिए एक देंगे, एक चीज़ हम अनाउंस करेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चंस की मैं गारंटी देता हूँ भाई, क्वेश्चंस आपको बहुत बेहतरीन मिलने वाले हैं और डेप्थ एनालिसिस होंगे, आपको मजबूर करेंगे कि आप कंसेप्ट को और बेहतर करो। ठीक है ना, ये मेरी तरफ से गारंटी रहेगी। ठीक है ना, तो चलिए भाई, बुक्स के बारे में मैंने जानकारी दे दी है। रविंद्र पाल सिंह, आपने मुझसे दोबारा पूछ लिया है, सर इंग्लिश में कोर्स लॉन्च किए हैं, किए इंग्लिश हमारा आता है भाई, आप देखिए तो इंग्लिश का कोर्स हमारा अवेलेबल है, आप उसको ले सकते हो दोस्तों। ठीक है सर, ईएमएफटी के लिए बुक पढ़ना जरूरी है? नहीं जी, जरूरी नहीं है, मैंने आपको बताया ना, रेफरेंस के लिए है ये बुक। ठीक है, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आया तो केवल उस टॉपिक के लिए है, बिकॉज बहुत कुछ तो आपको पढ़ा दिया गया है। ठीक है ना, जो चीज़ समझ नहीं आई है उस टॉपिक के लिए हमने बुक बताई है। ठीक है, नेक्स्ट, सर कैन वी फॉलो योर प्रोसेस आफ्टर सीआईएल एग्जाम? बिल्कुल कर सकते हो, बट उस टाइम फिर आपको थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा और जो आपका काम अधूरा रह गया है उसको फिर फटाफट करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ आप पैरेलल में मैनेज करो, जैसे कोई लोग बार की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग सीआईएल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि भाई कोशिश करो कि पैरेलल में आप लेके चलो, मतलब ऐसा करो कि भाई कुछ आवर्स आप कंपनी के लिए दे रहे हो, कुछ आप अपनी ये 4-5 घंटे आप इन लेक्चर्स के लिए लगा रहे हो, उसे पैरेलल लेके चलोगे ना, कंपनी के लिए 10 घंटे निकालो, 4 घंटे 5 घंटे हमारे जो हमने जो होमवर्क दिया उसके लिए निकालो, बिकॉज मुझे लगता है अगर आप कंपनी की तैयारी कर रहे हो तो ये जो होमवर्क मैंने दिया है शुरुआत के लेक्चर्स है, ये तो आपको वैसे भी पता होंगे, आप इनको जल्दी कवर भी कर लोगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो इस तरह से आप मैनेज करके चले। ठीक है सर, सेपरेट कोर्स फॉर डीपीपी प्लीज़? हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी यही बताया आपको, सेपरेट कोर्स हम लेके आ रहे हैं डीपीपी के लिए, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। जिन लोगों ने फुल कोर्स नहीं लिया है या जो लोग फुल कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, जिनके सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, जिनको सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, उनके लिए हम डीपीपी प्रोग्राम लेके आ रहे हैं बहुत ही जल्दी, थोड़ा सा वेट कीजिए, ज़्यादा समय में नहीं लगेगा हमें, तो बहुत जल्दी हम लेके आएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है ना, 15-20 दिन का हम आपको अनाउंस कर देंगे उसको। ठीक है सर, टेस्ट ओपन रखिएगा? सर हाँ, टेस्ट मैं ओपन रखूंगा भाई, ये मैं आपको बता दूं, सो देट आप एनालाइज कर सको कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। टेस्ट मैं ओपन रखूंगा और टेस्ट का जो लेवल है आपको मैं बता दूं, जो गेट का जो अभी का लेवल आया है इस बार का, ठीक है, उससे थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट ही रखूंगा, आसान नहीं रखने वाला हूं। ठीक है, आसान की आदत नहीं है मेरी, तो टेस्ट आपको मिलेगा। सर ट्रैकिंग आईडी नहीं मिला अभी तक? ट्रैकिंग आईडी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आज जितने डिस्पैच हो गए हैं उनको हम ट्रैकिंग आईडी अभी भेज देंगे भाई। ठीक है, मेरे ख्याल से मेल आप अपनी चेक कीजिएगा, आपकी मेल आईडी पे आना स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन जो पास हुई है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ट्रैकिंग आईडी आपको आज मेल हो जाएगी, कुछ लोगों को कुछ कल हो जाएगी, कुछ लोगों को परसों हो जाएगी, 3-4 दिन लगेंगे अभी सब लोग सबको हार्ड डिस्क डिस्पैच करने में, तो अपना पेशेंस बना के रखिएगा। ठीक है, ज़्यादा पैनिक मत होइएगा, सबको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी सर, आपकी वर्कबुक आती है क्या? वर्कबुक मेरी नहीं भाई, अभी तो डीपीपी में हम लोग डाल रहे हैं। ठीक है, चैपमैन बुक कैसी है? मशीन के लिए बहुत अच्छी है भाई, आप उस बुक को रेफ़र कर सकते हो, बहुत बढ़िया बुक है। ठीक है सर, आई एम फाइनल ईयर अन्ना यूनिवर्सिटी ईई ब्रांच, कैसे प्रिपेयर करें? इस बार एग्ज़ाम अच्छा नहीं
रहा, मतलब ये उन्होंने पूछा है। कोई बात नहीं, देखिए स्टैंडर्ड वे है, आप डेप्थ एनालिसिस कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, बेसिक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ये आपका मोटिवेशन होना चाहिए। मुझे लगता है एडवांस सब्जेक्ट आपके इजीली हो जाएंगे, ठीक है ना, तो उनको आप तैयार कीजिएगा अभी, ठीक है ना। सर EMFT के वीडियो प्राइवेट को पब्लिक कीजिए एटलीस्ट, इट्स एन रिक्वेस्ट, उन्होंने पूछा है रोहित गुप्ता ने। रोहित जी हमारी कुछ मजबूरी है तो उनको देखते हुए मैं नहीं कर सकता पब्लिक, तो माफ़ करें उसके लिए। बट सर आप अनअकैडमी पे भी नहीं पढ़ाते हैं अब, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको अनअकैडमी का नहीं डिस्कस करूंगा अभी मैं कुछ भी, ठीक है आगे बढ़ते हैं। सर्किट एंड फील्ड थ्योरी के लिए बुक बताइए, मैं बता चुका हूँ, आप पीछे जाके देखिएगा, आपको बुक मैंने बता दी है। टेस्ट ओपन रखिएगा, बिल्कुल टेस्ट ओपन रखेंगे। साइमन हैकिन मैंने बता दिया भाई, ठीक है, कम्युनिकेशन का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये पूछा है सर कम्युनिकेशन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम, ट्रांसमिशन के लिए बुक्स बताएं, सेमेस्टर में कोर्स है, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो ठीक है भाई मैंने बुक बता दी है, आपका नाम जो था वो था मोहम्मद उमर, मोहम्मद उमर मैंने बता दिया है। आप पुराना मेरा पुरानी ये जो अभी पीछे की क्लिप देखिएगा, क्योंकि आप शायद बीच में आप हमारे साथ जुड़े होंगे, तो मैंने सारा इन सब के बारे में बता दिया है। सर अपलोड DPP ऑन टेलीग्राम ग्रुप, बिल्कुल मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी अपलोड कर रहा हूँ, बट मैं उस ग्रुप को, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट हो जाते हैं तो बच्चों की शिकायतें हैं, हम अलग अलग ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, और केवल पेड स्टूडेंट के लिए अलग ग्रुप रहेगा, पब्लिक ग्रुप अलग से रहेगा, EC के लिए अलग ग्रुप रहेगा, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग ग्रुप रहेगा, तो ये सब चीज़ें हम इन्वॉल्व कर रहे हैं साथ साथ, अभी थोड़ा समय लग रहा है बट बहुत जल्दी ये आ जाएगा, ठीक है। सर मोबाइल ऐप पर वीडियो बफर होता है, आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो हो सकता है अनमोल, आप एक बार देखिए कहीं आपका इंटरनेट तो स्लो नहीं है, बट होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने ऑलरेडी सब कुछ चेक किया था, तो ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। सर EMFT की फर्स्ट DPP कितने लेक्चर तक है? EMFT की फर्स्ट DPP मेरे ख्याल से मैंने पूरे चैप्टर में ही बना दी है, ठीक है, मतलब आप एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तभी आप उसको कर पाएंगे, बिकॉज उसमें स्टार्टिंग का बहुत कम रखा है मैंने, स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, उन पे ज़्यादा रखा है मैंने उसको, तो लाइन इंटीग्रल वगैरह उन सब पे ज़्यादा रखा है, तो आपको थोड़ा समय लग सकता है उसको सोल्व करने में, ठीक है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। सर हार्ड ड्राइव में प्लेयर नहीं चल रहा है, हार्ड ड्राइव में प्लेयर इंस्टॉल, उस प्लेयर को इंस्टॉल कीजिए भाई, ठीक है, तभी तो चलेगा ना, इंस्टॉल कीजिए, एक्टिवेशन कोड के लिए मैसेज कीजिए मैम को, इंस्ट्रक्शन शीट दी गई है, आप उसको एक बार पूरा पढ़िए, उसको फॉलो कीजिए इंस्ट्रक्शंस को, मुझे लगता है आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा, और फिर भी अगर नहीं समझ आता है तो आप मैम को मैसेज कर सकते हो, मैम के नंबर पे 9988167932, ठीक है भाई, इस नंबर पे आप कर सकते हो मैसेज, तो अच्छी बात, अच्छा है भाई दोस्तों, आज मैंने काफ़ी समय ले लिया आपका, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। आज का मेरा मेन टॉपिक जो था बुक्स के बारे में था, तो मैंने आपको सारी बुक्स की जानकारी दे दी है, आप इन बुक्स को रेफरेंस की तरह रखिएगा, और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं मुझे लगता है आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, आप एक एक करके बुक पढ़ना भी स्टार्ट कीजिए, वो पढ़ नहीं सकते तो एटलीस्ट पीछे की एक्सरसाइज जरूर सोल्व कीजिए, ठीक है, ये जरूर कीजिएगा, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जाएगी इससे, ठीक है। समय मत देखिए, समय थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, 15-20 दिन, महीना आपको ज़्यादा लग सकता है बाकी लोगों से, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी बहुत बेहतरीन रहेगी आपकी, ठीक है, उसको कीजिए, उसके ऊपर फोकस कीजिए। टेस्ट का सिलसिला अब हम जारी करेंगे, सब्जेक्ट पूरा होते ही टेस्ट लेने स्टार्ट करेंगे, और ये प्रोसेस हमारा रहेगा, ठीक है। तो आप हमारा वीकली प्रोग्राम फॉलो कीजिए, और फ्राइडे को मैं लाइव होऊंगा, पहली बार पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम फ्राइडे से, तब तक जो भी फालतू की जानकारी है वो मैं पूरी कर देता हूँ, फालतू की जानकारी नहीं बोल सकते इसको, ये भी बड़ी काम की जानकारी है, ठीक है, बट उसमें मतलब नॉन टेक्निकल जानकारी है ना, मतलब इसमें मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो कई लोग ऐसे मानते हैं कि सर क्या हो गया, मतलब पढ़ाना शुरू कीजिए ना, तो इसलिए मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा भाई, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, फ्राइडे से मेरा क्लासेस स्टार्ट होंगी और वहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब तक आप भी अपना माइंड सेट कर लीजिए, अपना प्रिपेयर रहिए, फ्राइडे से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हमारे लाइव सेशन शुरू हो जाएंगे, तब तक आपको जो होमवर्क दिया है उसको पूरा कीजिए, और मुझे लगता है 4 लेक्चर आप पूरे कर पा रहे होंगे, ठीक है, 4 लेक्चर ज़्यादा नहीं है पर डे, ठीक है, तो 4 लेक्चर को तैयार कीजिए भाई, पर डे 4 लेक्चर्स, 2 लेक्चर EMFT के, 2 लेक्चर नेटवर्क के, ठीक है ना, इस तरह से स्टार्ट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारी कहानी समझ आ गई है भाई, तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम आपसे फिर से मुलाकात होगी, आपके डाउट आ रहे हैं भाई तो आप पूछते रहें, ठीक है, मैं कभी ना कभी आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, मतलब पैरेलल में रिप्लाई करता रहूँगा, आप मेरे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो अपने डाउट्स, ठीक है, अगर आपको लगता है कि जेन्युइन मुझे पूछना है, मैं परेशान हो रखा हूँ, तो आप अपना डाउट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है ना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है ना। वैसे मैंने सबके डाउट ले ही लिए हैं तकरीबन, तो जिनके और डाउट आ रहे हैं भाई, समय बहुत ज़्यादा हो गया है, मुझे लगता है काफ़ी लंबा चला जाएगा,
तो मैं किसी और दिन आपका जिस दिन लाइव आऊंगा तो लाइव के आखिरी के 15 मिनट में हर लाइव सेशन में ऐसे रखूंगा कि मैं आपके डाउट के जवाब दूं, ठीक है ना। तो लास्ट के 15 मिनट्स मैं आपके डाउट के ऊपर रखूंगा, मतलब जो भी आप नॉन टेक्निकल डाउट पूछ रहे हो, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।